<coughs> देखो एक्चुअली में एआई होती क्या है व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई रेफर्स टू द सिमुलेशंस ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंसेस मशीन देट आर प्रोग्रामड टू थिंक लाइक ह्यूमंस एंड मेमिक देयर एक्शंस मतलब सीधा सिंपल सा ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का कि हम भविष्य में या फिर आने वाले जो भी फीचर्स हैं हमारे हम उसमें एक ऐसी मशीन बनाए जो किसके थ्रू सोचे जैसा इंसान सोचता है ना वैसे सोचे वो और अपने आप काम करे वैसे का वैसा जैसा इंसान सोचता है वैसे वैसे काम करे का तो यहां पर देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इसका मीनिंग क्या है आर्टिफिशियल कि कृत्रिम और इंटेलिजेंसी यानी बुद्धिम बुद्धिमता यानी कि आर्टिफिशियली हम ऐसा कृत्रिम बुद्धिमता एक माइंड बनाना चाहते हैं जो सेम टू सेम किसके थ्रू सोचे ह्यूमन के थ्रू अब वो मशीन ही बना सकते हैं हम मशीन के थ्रू ऐसी प्रोग्रामिंग करेंगे हम उसमें जो वो किसके थ्रू सोच सके ह्यूमन के तरह ठीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एक आपका वो क्या होता है जैसे टूल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कोई लैंग्वेज नहीं है आर्टिफिशियल एक टूल से जिसको क्या कहा गया है कृत्रिम बुद्धिमता यानी कि कोई ऐसी मशीन बनाएंगे जो मशीन के थ्रू वो हमारे ह्यूमन की तरह जैसा हम कार कर, काम करना चाह रहे हैं वैसा जो हम चाहते हैं के करे? करे। है, है। तो ए आई का ए मतलब उसका उसके अंदर यूज होने वाले हम मशीन को किस तरह सिखाएंगे फिर उसमें कैसे डेटा प्रिडिक्शन करेंगे कैसा डेटा प्रिडिक्ट होता है वो आर्टिफिशियल के अंदर टूल्स होते हैं जैसे सबसे पहला टूल्स हो गया आपका AI के हो गया आपका एम एल फिर हो गया आपका Deep Learning, DL, और फिर इन ही करता है तो समझ जाना उसको तीनों लेवल आना चाहिए आपको एम एल आना चाहिए डीएल आना चाहिए और प्लस डेटा साइंटिस्ट आना चाहिए ठीक है वैसे डेटा साइंटिस्ट के अंदर आप लिखोगे तो आपको तीनों पॉजिटिव उसमें आ जाएगी एआई आई के भी आ जाएगी एमएल की आ जाएगी और

कि वो एक्शंस भी वैसे जैसे सोच सकता है इंसान जैसा सोच सकता है जिस जिस तरह है, अगर आपका अगर हमने भविष्य में वो मशीन बना डाली या बन गई मशीन तो वो मशीन जैसा कोई लैपटॉप हो गया या कोई डिवाइस हो गया कुछ भी चीज हो गई तो वो आप जो काम कर रहे हो तो वो किस तरह लाइक करेगी जैसे आपका कल है जैसे कोई लैपटॉप में मैंने ए डाल दिया है जैसे मैंने कोई लैपटॉप में ये मेरा लैपटॉप में या कोई कंप्यूटर सिस्टम में मैंने ए आई के थ्रू ऐसा बना दिया है कि मैं ना बोलूंगा तो भी जो एक्शन लेना चाहता है सिस्टम वो ले सकता है मेरे दिमाग के ऊपर जैसे हमने उसमें सेट कर दिया या उसने ऑटोमेटिकली सेट कराया कल आपका एग्जाम है तो अगर एक दिन पहले या दो दिन पहले आप उसमें मूवी वगैरह देख रहे हो तो वो आपको डिटेक्ट करेगा बार बार अलार्म करेगा कल आपका एग्जाम में आप मूवी को ना देखकर आप अपने एग्जाम में प्रिपरेशन करो तो टाइम सेट, सेट नहीं करेंगे तो भी आप ही कर लेगा, कर लेगा। अब ये आर्टिफिशियल के अंदर आते हैं सारी चीजें जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आर्टिफिशियल क्या क्या सोच सकते हैं जैसे आर्टिफिशियल का एग्जाम लेते हैं हम जैसे आपका होगा आईफोन लिया आपने आईफोन या आईपेड लिया कभी आईफोन आईपेड में एक फंक्शन होता है श्री नाम का श्री नाम का आपके किसी के पास होगा या आपने देखा होगा हे श्री हे श्री बोलते हो तो वो एक गूगल असिस्टेंट की तरह काम करता है जो हम टाइप करते हैं वो चीज हम बोल के उससे करवा सकते हैं और इंटरनेट पे वो कमांड दे के सर्च करा के हमें रेस्पॉन्स हमारे बोलने वॉइस के थ्रू हमें आउटपुट दे देगा वो तो जैसे आ, कोई मैप निकालना मैप वगैरह निकालना है फिर हे श्री बोल के हम जो काम बिना टाइप किए बिना हम टच किए उससे जो काम करवाना चाहते हैं गूगल या हे सीरी करके तो सारे के सारे हमें जो भी कमांड देंगे वो सारे कमांड हमें एग्जीक्यूट करवा देगा जैसे हमें नेट पे जाना है या फिर गूगल पे कोई चीज सर्च करनी है अभी जो भी चीजें हो गई तो उसको हमें सर्च करना रहता है चीजें तो हम हे सीरी बोल के उससे सारी चीजें करवा सकते हैं बट लेकिन आपके उसमें ले, उसमें गूगल इसमें जो आपका आईफोन है और आईपेड है इसी में संभव है बट लेकिन एंड्रॉयड पे जाना हो तो एंड्रॉयड में आपका असिस्टेंट्स पर्सनल असिस्टेंट जिसको तीसरा काम होता है गूगल असिस्टेंट का हम उसमें भी हम अपना कमांड देंगे तो जो भी हम चीज बोलेंगे तो अपनी रिकॉग्नाइज करके वो सेम जो चीजें हम बोलेंगे उसका आउटपुट दे देगा वो बिना विदाउट हमें कोई टाइप किए हुए ठीक है उसके बाद आपका ए का यूज अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो आपका ए यूज जैसे वेदर वेदर में होता है वेदर वगैरह हम वेदर का अनुमान लगा सकते हैं किस तरह है वेदर का कि जैसे बड़े बड़े प्रिडिक्शन करता है डेटा को पुराना डेटा डालकर तब तो प्रिडिक्ट किया जाता है जैसे हम अब में जैसे और समझाऊ तो बताएंगे जैसे जो डेटा डाला हमने जैसे कोई पुराना डेटा हुआ पुराना डेटा से वो सीखता है नया डेटा की मुझे करना क्या है नया डेटा का तो वो सारी चीजें आपकी जैसे वेदर कास्टिंग और जैसे वो मौसम विभाग में बता देता ना कि दस दिन बाद या बीस दिन बाद एक महीने बाद या दो महीने बाद या नेक्स्ट ईयर आप कितनी बारिश होगी इतनी इंच बारिश होगी इतनी इंच आपको बारिश पड़ेगी तो उससे मिलता जुलता टर्म पुराने डेटा का प्रिडिक्शन करके वो नए डेटा को जो निकालते हैं तो ऐसा नहीं भविष्य वो, इतने इतने ये ये तो वो, वो बताता है कि इस साल भी इतनी बारिश हो सकती है इतनी वर्षा हो सकती है इन इन इलाकों में ठीक है वहां देखा वहां देखा जा सकता है आपका ए आई का रोल एआई का रोल आपका रिजर्वेशन वगैरह बुक वगैरह में किया जा सकता है जैसे हम ट्रेन में ट्रेन वगैरह रिजर्वेशन बुक करते हैं उसमें हो सकता है उसमें यूज हो रहा है आपका शेयर मार्केट्स में यूज हो रहा है कि शेयर मार्केट में पुराने डेटा देख के अब ऊपर नीचे हो सकता है आपका एयरोप्लेन में यूज हो रहा है एरोप्लेन वगैरह में अब मेंगरा में बुक कराना है कितने दिन बाद ये टिकट हमें सीट खाली मिल जाएगी क्या या नहीं मिलेगी क्या उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीजों हम भविष्य में सोच सकते हैं कि भविष्य में ऐसा हो सकता है तो हम प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं भी चीजों तो ये तो चल रहा है बट लेकिन मशीने कैसे करी की वो तो कैसे कर सकते हैं तो और अगर ए आई का यूज देखना हो तो और मशीनें देख लो जैसे अभी लाखों लोग काम करते थे लाखों लोग काम करके जो काम टाइम पे नहीं कर पाते थे तो और अच्छे से नहीं कर पाते तो सारी मशीनें कर रही है और अच्छा अपना इफेक्ट दिखा रही है मशीनें कम समय ले रही है और अच्छा इफेक्ट दिखा रही है तो हमारा समय बच रहा है उन चीजों से तो इसके थ्रू ए के थ्रू हम मशीनों को चीजें सीखना सिखाएंगे अब ए आई देखो आर्टिफिशियल एक टूल्स है या फिर तो इसमें कोई टूल्स नहीं ये एक टूल से आपका जैसे पाइथन पाइथन एक language है पाइथन के अंदर हमें सारी चीजें सीखना पड़ता है वैसे artificial एक चीज़ है, मतलब टूल से, artificial intelligence का हम ऐसा दिमाग बनाएंगे मशीन का जो ह्यूमन की तरह रिएक्ट कर सके तो ए आई एक टूल से आपका ठीक है <laughs> तो द टर्म में ऑल्सो बी अप्लाइड टू एनी मशीन दैट एग्जीक्यूटेड तो एग्जीबिशन करेगा मशीन के थ्रू मशीन जो डेटा आएगा मशीन को हम जो कमान देंगे वो सारी चीजें वो यूज करेगा एसोसिएट करेगा और प्रॉब्लम सोलविंग में हमारी मदद करेगा क्या आपने इस तरह का टास्क दिया है मुझे मैंने आपको इस तरह का आउटपुट दिया है और देखा जाए तो अभी ए आई में बहुत सारी मूवीज बन चुकी है पहले से आपकी रोबोट देख लो रोबोट टू देख लो मैट्रिक्स देख लो जो उसमें उसमें चलती आपकी इंडियन उसमें, और ये कौन सा आता है ना बहुत सारी चीजें बहुत सारी मूवीज बनी है आपकी जिसमें ए का यूज तो वैसे हॉलीवुड वाले बहुत यूज करते हैं इफिक्शन का देखिये थ्री मूवी का देख लो सब जगह ए का यूज हो रहा है उसमें और इससे भी बेस्ट एग्जाम्पल देख लो ए का आपका मशीन लर्निंग में जैसे मैंने कल बोला था आपको अमेजोन पे आप जो भी चीजें सर्च करते हो बेस्ट ए का पार्ट वहाँ पे अमेजोन में जो भी चीजें सर्च करते हो आप तो आपका डेटा को उठाए उसने फिर वो आपको हर जगह नए नए जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो फेसबुक पे जाते हो या किसी और साइट पे जाते हो तो उसी से रिलेटेड आपको चीजें दिखाई जाती है वहाँ पर जो आपने अमेजोन पे सर्च किए कभी आपने जज किया है कि फेसबुक पे जा रहे हो तो फे, फेसबुक बीच में एड आ गया किसी चीज का वो वो पिक्चर आ गया जो आपने सर्च किया था आप दूसरे साइड पे गए तो वहाँ पर वो एड आ जाता है तो ये क्या होता है एआई के थ्रू होता है उन्होंने क्या किया ए के थ्रू आपके डेटा को उठाया डेटा को उठाकर और अल अलग अलग जगह उसका यूज कर दिया मशीन को समझा दिया कि अगर इसने ये डेटा हमने मशीन को पहले समझा दिया कि अगर ये डेटा उसने ये सर्च किया है तो आपको हर जगह उसको डेटा दिखाना है ताकि उसको रिमेम्बर रहे याद रहे कि मुझे खरीदना है तो ये मार्केटिंग बढ़ाने का एक बहुत बेस्ट आइडिया है डेटा एनालिसिस में चले जाओ तो वो सबसे ज्यादा बिजनेस बिजनेस मैन में, में बिजनेस को आगे बढ़ाने का आइडिया देते हैं कि आप इस तरह यूज करके जो पुराने डेटा देखो वो जो आइडिया देगा जैसे कोई हायर किया किसी ने ए वाले को या एमएल वाले को या डेटा साइंस वाले को हायर किया तो कैसे बताएगा कि आपके इस नेक्स्ट ईयर में इतना प्रॉफिट हो सकता है इतना लॉस हो सकता है वो किस तरह बताएगा जो उनका पुराना डेटा होगा यानी कि दो तीन साल दस साल पुराना डेटा होगा उसको वो प्रिडिक्ट करेगा यानी कि उसको फाइंड करेगा फिर उसमें से कुछ मेन टर्म्स निकालेगा उस करेगा, करेगा मॉडल के थ्रू फिर एमएल को देगा एमएल क्या करेगी उसमें एक लगाएगी। या फिर अपना उस एक, एक, एक मॉडल तैयार करेगा फिर बाई चार्ट ग्राफ चार्ट के थ्रू हमें बता दें उस साल आपका इतना लॉस हुआ है इस साल आपका इतना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो हमें चार्ट के थ्रू दिखा देता है तो ये सारे टूल्स ए के अंदर आते हैं ठीक है देखो उसमें क्या क्या हो सकती है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी रेफर्स टू द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंसी इन मशीन द गोल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इंक्लूड लर्निंग लिसनिंग एंड प्रिसेप्शन ए आई इज ए बींग एआई इज ए बींग यूज अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग फाइनेंस एंड हेल्थ केयर

ये अमेजोन पे जो चीज सर्च करते हुए हमें नेक्स्ट पेज पे दिखा कि ये आपके एक वीक ए है जैसे आपके आइकन वगैरह देखा है गूगल का एक आइकन होता है जो वो वो क्या करता है जैसे हमने किसी फोटो का इमेज लिया है लेंस करके आता है गूगल लेंस करके आता है जो हमने किसी फोटो लिया है जैसे कोई इमेज वगैरह है या फिर कहीं पर एक पोस्टर लगा हुआ है हमें वो चीज समझ में नहीं आया कि लिखा क्या है तो हम उसका फोटो लेते हैं वो कन्वर्ट करता है मशीन लर्निंग के थ्रू कि इसने लिखा क्या है कन्वर्ट करके हमें आउटपुट देता है तो इंटरनली कौन वर्क कर रहा है आपका मशीन काम कर रही है कि इससे मुझे कैसे आउटपुट लाना है आईकॉन्स में तो ये छोटे छोटे लेवल पे जो काम होता है आपका गूगल असिस्टेंट हो गया ये छोटे लेवल पे और आपका ये आ, क्या नाम से एलेक्सा हो गया ये आपका अमेजोन का तो हमने जो कमांड दिया उसको देख के उसने रिकॉग्नाइज करके सारी चीजों को कमांड के थ्रू सर्च किया अपने आप में मिला इंटरनेट पर सर्च करके उन्हें हमें आउटपुट दे दिया तो छोटे लेवल पे एआई होती है इसको बोलते हैं वीक एआई कॉम्प्लेक्स एंड मोर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज वगैरह होती है जिसे हम किस तरह सोच सकते हैं हमें क्या करना है क्या है, नहीं करना है फ्यूचर के वाइस सामने आना है जो, जो भी चीजें आपने लाइक like, पर डे की रूटीन वगैरह हो गई कल हमें ये करना है वो करना है तो यह कॉम्प्लेक्स क्योरी होगी तो कॉम्प्लेक्स क्वोरी ए आई स्ट्रोंग ए आई में आता है वो जो हम कॉम्प्लेक्स क्योरी को एड कर सकते हैं

पहले वाले डेटा को सीख के फिर अनुमान लगाएगा जैसे इस साल कितनी बारिश होने वाली इस साल कितनी बारिश नहीं होगी तो इस तरह के सारे रोल्स कौन अदा करता है आपका एआई तो एआई समझ में आया कि कोई डाउट है एआई में किसी को नहीं सर क्लियर हुआ हाँ सर और के तरुण तरुण कहाँ गए तरुण स्वीटी समझ में आया हेलो आवाज नहीं आ रही है मेरी सर yes, आया क्लियर हुआ ना एआई का हम कहा यूज होता है क्या होता है एआई वगैरह कुछ इसमें ये टूल से एक तरीके से राहुल सर आ गया ओके ठीक देखो हम थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं ए का कि हम कैसे यूज कर सकते हैं देखो ये तो हमारा था कि हम किस तरह उसका यूज कर सकते हैं अब हम बनाते हैं कि ए आई के अंदर क्या क्या टूल्स हो सकते हैं वो जैसे ये ए आई है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ठीक है इसके अंदर ही एआई एक बहुत बड़ा पार्ट है आपका मतलब मुझे एआई बनाना है एआई का मतलब मुझे कोई कोई कृत्रिम बुद्धिमान यानी ऐसा दिमाग बनाना है जिसके थ्रू हम चीजें समझ सकते हैं हैं ह्यूमन की तरह एक्ट कर सकते तो हो गया उसके अंदर आता है हम किसके थ्रू बनाएंगे क्योंकि अगर मशीन बना रहे हम तो हमें मशीन को सिखाना पड़ेगा कि हम क्या करें तो ये आपका एम हो गया तो एम एल क्या है सबसेट ऑफ ए आई का सबसेट है वो कौन ML. फिर उसका सबसेट है अगर हमें एमएल के नॉर्मल चीजें बनाने को और डीप में जाना है तो हो जाएगा आपका डीएल डीप लर्निंग ठीक है डीप लर्निंग हो जाएगा ए आई हो गया एमएल हो गया लर्निंग होगा हो गया तीनों चीजें में क्या होगा कि हम मशीन को कितनी गहराई तक और कितना वीक ए आई आपकी एमएल में बनती है और जो अगर डीप जाना है आपको तो किसमें बनती है कि डीप लर्निंग में बनती है आपकी अगर डेप्थ में जाना है तो उसके बाद ये सब पार्ट मिला के देखो थोड़ा पार्ट एआई का थोड़ा पार्ट एम एल का थोड़ा पार्ट डीएल का है अब ये पार्ट मिलाकर फिर वहां बनता है आपका डेटा साइंटिस्ट डेटा साइंस बनता है वहां पर तो जो डेटा साइंस की जॉब के लिए अप्लाई करेगा वो क्या करेगा उसको तीनों आना चाहिए ए आई का ए आई मालूम होना चाहिए ए आई में क्या क्या टूल्स यूज होते हैं कैसे कैसे यूज होते हैं फिर एम एल की नॉलेज होना चाहिए और उसको डीएल डी प्लर्निंग की नॉलेज होना चाहिए जब जाके वो डेटा साइंस के लिए अप्लाई कर सकता है ठीक है अब ए में अगर मोस्ट uh, पॉपुलर देखा जाए ए में तो ए का अगर यूज कब किया गया था ए आई से सोचा गया था जॉन मैकार्थी है जो मैंने आपको इसमें बताया था uh, मैंने डीएस में बताया डेटा साइंस में uh, जैसे पा, पांडास में बताया था ना मैंने कि हैज रेफरेंस टू बोथ पैनल एंड ये जोन मेकार्थ ये तो वेंस मेकनी है शायद जोन मेकार्थ ही मैंने आगे बताया था आपको पांडास ओके डॉक्टर जोन है और कुछ चलो एआई का जो बनाया गया था एआई ये 19 ये भी नहीं है 1956 में आ चुका था आपका एआई और किसने बनाया था क्योंकि वो सोच रहा था जब कंप्यूटर के उद्घाटन हुआ था धीरे धीरे सोच रहा था कंप्यूटर को हम बना रहे हैं हम जो चीजें करवाना चाह रहे हैं वो सारी चीजें हो रही है इसमें बट लेकिन वो वो सोच रहा था उस टाइम उसके दिमाग में ख्याल है कि जिस हम कंप्यूटर से हम जो चाहते वो करवा सकते हैं ठीक है बट लेकिन कुछ ऐसा दिमाग लगा कंप्यूटर में जो हम जो करें वो कंप्यूटर वैसा कर सके मतलब कंप्यूटर हमारी तरह सोच सके हमारी तरह वर्क कर सके कंप्यूटर तो जॉन मेघार्थी था तो जॉन मेघार्थी 1956 में उसके अंदर आइडिया आए आविष्कार किया ए का ये अमेरिकन थे अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट है ये तो इन्होंने जो मतलब इसका 1956 में आविष्कार किया था किस नाम से जाना गया ए आई यानी के कृत्रिम कृत्रिम बुद्धिमता कृत्रिम यानी आपका आर्टिफिशियल होगा और इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमता होगी तो इसका विचार उसने किया था उसके बाद धीरे धीरे डेवलप हुआ क्या क्या चीजें आने शुरू हुई क्या क्या नहीं उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हुआ सारी चीजें ठीक है अब अब जैसे अब हमें हमने क्या बना लिया ये AI का पूरा तो पढ़ लिया अब हमें ए आई का टूल्स कैसे बनाया ए आई कैसे तैयार करना पड़ेगा हमें जो हमारा पूरा ए आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि जो हम मशीन कैसे बना सकते हैं उसकी ठीक है तो उसके अंदर हमें टूल्स यूज करना पड़ेगा एम का अब ML क्या होती मशीन लर्निंग ठीक है मशीन लर्निंग क्या होती है? देखो मशीन लर्निंग इज एन एप्लीकेशन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी कि जो ए मशीन लर्निंग है वो जो एप्लीकेशन बनी है बनाई गई है या फिर जो यूज होने वाली है वो ए के लिए बनाई गई है जो मैंने अभी बता दिया देट प्रोवाइड सिस्टम द एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली लर्न एंड इम्प्रूव फ्रॉम एक्सपीरियंस विदाउट बींग एक्सपेल प्रोग्राम इसका मतलब यह है कि हम मशीन में कुछ ऐसी टेक्निक यूज करेंगे जो पुराने डेटा के साथ या फिर जो भी डेटा होगा उसके साथ खेलेगी उसको साथ मर्ज करेगी प्रिडिक्ट करेगी उसको समझेगी कि चल क्या रहा है जैसे हम इंसान क्या करते हैं ठोकर खाने के बाद पता चलता है ना हमें कि भैया ऐसी गलती दोबारा नहीं करना उसमें मैंने विश्वास किया तो उसने मेरे पास दो, मुझे धोखा दिया है तो पहले आपने उसको समझा फिर आपने धोखा खा लिया तो ये आपको पुराने अब आप किसी और पे विश्वास करने से पहले आपको पता लग गया कि उसने मुझे धोखा दिया था मुझे इसको सारी चीजें नहीं बतानी है तो आपने क्या पुराने डेटा से यानी पुरानी गलतियों से सीख के आपने वो किया कि हम मुझे ये गलती नहीं करनी है। वैसा मशीन क्या करता है कि हम पुराना डेटा इसको देते हैं पुराना डेटा में से पूरी गलतियां गलतियां निकालता है कि ये आपने पहले की तो उस गलती को मुझे नहीं दोहराना है तो उस, उस डेटा का करता है प्रिडिक्शन उसको सर्च करता है फाइंड करता है मॉडिफाई करके फिर चीजें न्यू न्यू वर्जन में बताता है कि भाई आपने पहले ये किया था अब उसको डाटा को लेकर मैंने ये किया और मेरा ये रिजल्ट निकला है ठीक है तो हमेशा एमएल डेटा से सीखता है जो भी चीजें होती है जो ह्यूमन भी क्या गलतियों से सीखता है तो ये भी डेटा से सीखता है पुराना डेटा क्या था उस पुराने डेटा को हम देंगे इसको डंप कराएंगे प्रिडिक्शन देगा प्रिडिक्ट करेगा और मॉडल के थ्रू हमें वो आउटपुट देगा आलस आ रही है स्वीटी नो no, सर नहीं अपासिली भाई किसी को आलस आ नहीं no, नहीं ठीक है, एक्सपीरियंस विदाउट नहीं लेगा कि मुझे कोई दो पुराना दे उसको, उसके आधार पर ये वो improve कर लेगा मशीन लर्निंग फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स देट कैन एक्सेस डेटा एंड यूज इट टू लर्न थीम्स लिव यानी एक्सेस डेटा यानी कि जो डेटा इसको दिया जाएगा उसको एक्सेस करेगा थीम थी उसको प्रेडिक्ट करेगा अपने अकॉर्डिंग उसको फाइंड करेगा जो गलतियां होंगी आपको बता देगा और जो गलतियों से उसने जो सीखा है वो आपको दिखा देगा द प्रोसेस ऑफ लर्निंग विदाउट विद्सेशन और डेटा सच एज एग्जाम्पल डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑन इंस्ट्रक्शन इन ऑर्डर टू लुक फॉर पैटर्न इन डेटा एंड मेक बेटर डिसीजन इन द फ्यूचर बेस्ट ऑन द एग्जाम्पल डेट वी प्रोवाइडेड सेम है कि आपने जो डेटा दिया है उससे सीखा और बेस्ट एग्जाम्पल अपने अकॉर्डिंग बेस्ट हो सकता है जैसे किसी कंपनी के लिए हमने ये किया है कंपनी ने कहा कि मुझे इस साल लॉस होगा या प्रॉफिट होगा तो आप मुझे बताएं तो डेटा साइंस क्या करें पहले पुराना डेटा उठाएगा पुराने डेटा को सर्च किया और बेस्ट अपना बेस्ट से बेस्ट देगा हूँ कि इस डेटा को हम यूज करके ऐसा ऐसा फायदा कर सकते इतना लॉस होगा या इतना प्रॉफिट होगा ठीक है द प्राइमरी एम इज टू अलाउ द कंप्यूटर्स लर्न ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटिवेशन फॉर असिस्टेंस एंड एडजस्ट एक्शन अकॉर्डिंगली यानी ह्यूमन की तरह इंटरवेशन करेगा और ह्यूमन की तरह इंटरवेशन उसकी तरह समझेगा उन चीजों को जैसे आप पुरानी गलती को याद करते ना कि यार उस इंसान ने मैंने ये ये बात बताई थी उसको तो उसने ये ये बात किसी और को बोल दी। उसने मुझे बताया तो उसने मुझे धोखा दिया तो ये सीखेगा डेटा से कि मुझे ये ये इस इस डेटा से यही गलतियां की थी उन्होंने जिनको लॉस हुआ तो मैं इसका यूज करके इनको प्रॉफिट बताऊं इनका लॉस भी बताऊं तो वो सारे ह्यूमन की तरफ सोच के उस चीजों को बता देगा एडजस्ट एक्शन अकॉर्डिंगली यानी कि जैसा एक्शन दोगे उसके अकॉर्डिंग वो डेटा को फाइंड करके बता देगा एक्शन किसके थ्रू लेगा पुराने डेटा के अकॉर्डिंग लेगा कि पुराने डेटा में आपने एक्शन लिया था इसलिए आपको लॉस हुआ तो मैं ये एक्शन ले सकता हूं इसलिए आपको प्रॉफिट होगा अब वो एक्शन किसके थ्रू लेंगे ठीक है जैसे अगर आपका देखा जाए तो रोल ऑफ एमएल जो मेन रोल होता है कहाँ का रोल होता है इमेज रिकॉग्नाइजेशन में रोल होता है इसका इमेज को आइडेंटिफाई करेगा जैसे फेस डिटेक्शन में यूज होता है फेस हमने आ, मास डिटेक्शन का रोल होता है फेस जैसे हम किसी उसमें सीसीटीवी वगैरह में जाते हैं तो फेस डिटेक्ट हो जाता है या फिर किसी फेस uh, के थ्रू हम अटेंडेंस ले सकते हैं वह आपका फेस फेस दिख गया है अटेंडेंस रिकॉग्नाइज हो गया पहले से फोटो सेव कर लेगा हमारा बायोमेट्रिक सिस्टम हो गया इसमें सबका एम में यूज हो रहा है स्पीच रिकोगनाइजेशन में यूज हो रहा है हमने जो भी वर्ड लिखा है वो सब के साथ आ चुका है सब के साथ वो बोल रहा है हमें बता भी रहा है

मेजरली जो यूज होते हैं ठीक है फर्स्ट पार्ट हो गया आपका जैसे मशीन लर्निंग में देखो सबसे जो फर्स्ट पार्ट है वो हो गया आपका सुपरवाइज सुपरवाइज लर्निंग सुपरवाइज लर्निंग दूसरा है आपका अनसुपरवाइज लर्निंग अनसुपरवाइज लर्निंग सॉरी फोर पार्ट इसके और तीसरा है आपका सेमी सुपरवाइज लर्निंग और फोर्थ पार्ट है आपका री इन री लर्निंग हम चारों को देखते हैं देखो फर्स्ट पार्ट है आपका सुपरवाइज लर्निंग सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि हमें इसमें मशीन को इनपुट देके पहले हमें चीजें बताना पड़ता है उसको कि एक बार मैंने चीजें समझा दी उसको फिर वो अपने आप में समझेगा कि इसके अकॉर्डिंग मुझे काम करना है ठीक है फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं ये आपका सुपरवाइज लर्निंग हो गया ठीक है सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि हमें पहले इनपुट देता है इनपुट देने के बाद फिर वो सीखता है फिर वो हमें आउटपुट देता है तो इनपुट कैसे लेंगे इनपुट आउटपुट दोनों का काम होता है हमने जैसे इनपुट uh, लिया इनपुट दिया मैंने इसको क्या दिया जैसे मैंने लिखा है टू प्लस टू मैंने इनपुट दिया इसको अब ये मैंने इनपुट दे दिया अब मैं टीचिंग करूंगा इसको टीच करूंगा मन की मैंने इसको बताया पहले मैंने इसको समझाया मैंने कहा टू प्लस टू कितना होता है टू प्लस टू इक्वल टू फोर होते हैं ठीक है ठीके? पहले मैंने इसको समझा दिया इसने समझ लिया कि जहां प्लस का साइन आ गया ऐसे मैंने दो तीन एग्जांपल बताए थ्री प्लस फाइव ये कितने होते हैं एट हो गए तो मैंने इसको समझा दिया चीजें समझा दी कि भाई टू प्लस टू कितने होते हैं इनपुट यहां से इनपुट लिया मैंने ये ले लिया थ्री प्लस फाइव लिया फिर दूसरा इनपुट ले लिया तो पहले मैंने इसको समझा दिया कि ऐसे होता है फिर मैं इसको एक मॉडल दूंगा जो अपने आप से सीखेगा ठीक है इसने फिर मैंने इसको दिया कमांड दिया थ्री प्लस नाइन अब इसने इस डेटा को यूज किया देखा कि इसमें क्या क्या सीन चल रहा है प्लस होते हैं जो दोनों का डेटा होगा उसको प्लस कर देगा और मुझे आंसर मिल जाएगा तो मैंने मशीन को दिया ये आंसर तो वो क्या करेगा इस मशीन को पहले पुराने वाले डेटा से कंपेयर करेगा कि हाँ पहले वाले डेटा में प्लस का साइन हो रहा था दोनों चीजें मिलकर एड का, का काम करे तो वो करेगा नाइन प्लस थ्री इक्वल टू तो ट्वेल्व उसने मुझे आंसर दे दिया ट्वेल्व में तो मैं क्या समझा हाँ इसने सीख लिया तो इनपुट और आउटपुट का काम करता है यानी कि पहले हम चीजों को सिखाएंगे उसको ठीक है चीजों को सिखाएंगे भाई ऐसे ऐसे होता है उसके बाद फिर वो अपने अकॉर्डिंग हम चीजें देंगे उसको फिर अपने आप सीखने के बाद वो नई चीजें देंगे जैसे मैंने आपको सिखाया पहले फिर मैंने आपको टास्क दिया टास्क देने के बाद आप पहले वो पुराने वाले टास्क को हाँ ऐसा समझाया था उसके बाद मैं उस टास्क को परफॉर्म करके नया आउटपुट लाऊंगा तो वैसे इसमें पहले मैंने इसको सिखा दिया टू प्लस टू फोर आता है फिर थ्री प्लस फाइव दो तीन एग्जाम्पल ऐसे बता दिए टीच कर दिया फिर मैंने फिर मैंने इसको ऑटोमेटिकली इनपुट दिया तो उसने जो मैंने पढ़ाया था तो उसके अकॉर्डिंग मैंने उसने आंसर दिया 12 हो गया तो इसको बोलते हैं सुपरवाइज है, सुपरवाइज लर्निंग लर्निंग हम जो भी इनपुट देंगे इनपुट देने के बाद पहले हम उसको सिखाएंगे सिखाने के बाद फिर हम उसको टीच करेंगे टीच करने के बाद फिर वो हम नया आउटपुट देंगे नए चीजें देंगे फिर वो हमें आउटपुट देगा पुराने डेटा को लेकर समझ में है सुपरवाइज लर्निंग डेटा awesome. ये तो इजी है बट लेकिन है बहुत बड़ा पार्ट चीजें बहुत सीखना पड़ता है इन चीजों में और लेकिन आप अगर इसे मूव करते हो तो आपको बहुत मतलब बहुत सारे स्कोप रहते हैं जॉब्स के तो बट लेकिन डीप में जाना पड़ता है इन चीजों में उसके बाद आती है आपका सेकंड पॉइंट क्या आपका अनसुपरवाइज लर्निंग ठीक है अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है आपका डायरेक्ट इसका अपोजिट हो जाता है आपका जैसे मैंने लिया ना यहां पर अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है अनसुपरवाइज लर्निंग ठीक है इसमें क्या होता है हमें यहाँ पर हमने पहले इनपुट दिया यहाँ पर इनपुट दिया उसके बाद उसने सीखा फिर आउटपुट लिया तो यहां पर इनपुट का काम नहीं है यहां पे ओनली आउटपुट का काम है इनपुट का काम नहीं है मैंने मैं इनपुट नहीं दूंगा इसको बस ओनली आउटपुट देखेगा वो तो क्या करेगा बहुत सारी चीजें रखी हुई है एक कंटेनर में बहुत सारी चीजें रखी हुई है जैसे यहाँ एप्पल हो गया आपका और ये ग्रेप्स हो गए आपके उसके बाद जो भी चीजें होगी यहाँ पर आ, बनाना हो गए मतलब जो भी बहुत सारे फल फ्रूट रखे इसमें ठीक है ये मैंने उसको बल्क में क्या दे दिया चीज दे दी मैंने इनपुट दे दिया बल्क में मतलब बहुत सारी चीजें रखी है तो मशीन में से बहुत सारा डेटा रखा हुआ है दे दिया उसने फाइंड किया मैं उसको सिखाऊंगा नहीं कि क्या क्या है तो वो सबसे पहले चीजों को देखेगा समझेगा फिर मुझे आंसर देगा उसने इसको प्रिडिक्ट किया समझा प्रिडिक्ट किया डेटा को और फिर उसने मुझे कलर के अकॉर्डिंग साइज के अकॉर्डिंग उसने मुझे आउटपुट दिया कि ये ये वाला आपका एप्पल है एप्पल है ये आपका ऑरेंज है ऑरेंज है और ये वाला आपके ग्रेप्स है तो जो भी चीजें होगी तो वो किसके अकॉर्डिंग करेगा अपने आप में यानी कि हम उसको सिखाएंगे नहीं हम उसको सिखाएंगे नहीं और आउटपुट नहीं देंगे उसको बस ओनली ये चीज देती इनपुट दे दिया, दिया कि भाई आप ये डेटा है अब आप इसके अकॉर्डिंग समझो जो आपको समझना है मुझे तो कोई मतलब नहीं फिर वो साइज देख के करेगा या फिर उसका कलर देख के करेगा कैसे भी करेगा उसका आउटपुट ला देगा ठीक है इसको बोलते हैं लर्निंग लर्निंग यानी कि में क्या होता है हम इनपुट देंगे डेटा को सिखाएंगे वो सीखने के बाद फिर हम उसको टास्क देंगे टास्क के बाद वो जो चीज करेगा उसके बाद वो आपका सुपरवाइज लर्निंग में चला जाएगा अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होगा हम बस इनपुट देंगे उसको आउटपुट नहीं देंगे क्या आउटपुट ये आने वाला है? हम टीच नहीं करेंगे उसको कि भाई ऐसे ऐसे होता है हम बल्कि उसको चीज